सहारनपुर के एक होटल में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक हुई और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। पदाधिकारियों का स्वागत किया गया और एकजुट रहने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष आलोक तनेजर ने पत्रकारों के हित में बोलते हुए कहा कि यदि किसी पत्रकार का किसी भी तरह का बेवजह उत्पीड़न हो रहा है, वह हमें बताए, हम उसका जल्द से जल्द निस्तारण कराएंगे। इस दौरान कई पत्रकारों ने संगठन की सदस्यता भी ली। मुख्य रूप से राकेश जैन, नवाजिश खान, सुशील, कपिल, दिवेश त्यागी, राजकुमार, अजहर खान, परेश राणा, नीलम सैनी, शाहनवाज पप्पी, डॉक्टर मुस्तकीम, राव जहांगीर राणा, प्रवीण सैनी, खलील सागर, आफताब जुमेद, मोहम्मद अली मिर्जा, रमन चौधरी आदि मौजूद रहे। इसको लेकर अभी हमने गागलेड़ी में सदर तहसील की बैठक की है, उसके बाद नागल में की है और ये तीसरी बैठक यहाँ सहारनपुर में महानगर इकाई की हुई है। सुशील कपिल जी यहाँ पर हमारे महानगर अध्यक्ष हैं और इनके द्वारा यहाँ पर ये आहूत की गई है बैठक और इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसमें बैठक में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं राकेश जैन जी वो रहे हैं और हिंदुस्तान समाचार पत्र के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजकुमार राजू जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो भी रहे हैं, न्यूज़ 18 के जो यहाँ पर ब्यूरो हैं। मैं पहले आपको अपना परिचय दे दूं, मैं आलोक तनेजा हूँ, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष और उत्तराखंड राज्य का प्रभारी हूँ, मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ। आज यहाँ पर महानगर इकाई सहारनपुर की महानगर इकाई की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया है। ज़िले में सभी ब्लॉक में, तहसीलों में और जो हमारी इंडिपेंडेंट इकाइयाँ बनी हुई हैं उनकी बैठकें चल रही हैं और बैठकों में हम लोग इस बात का संज्ञान ले रहे हैं, इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पत्रकारों के